तो दोस्तों पहाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया है चालू। ये देखो यार दोस्तों इस टाइम इनका इन्होंने किस चीज का बना रखा है, पानी की बोतल रखी हुई है। तो दोस्तों खेलने के लिए अब आरसी आ गई और इसको खेलना भी नहीं आ रहा, ये आरसी हो गई है आउट। और ये डेग में धर रहा दाव और देख लो यार ये दिमे को दे ली यार, ये भुन भी बहुत स्वाद रही यार, एक मीन खले है। अब ये देखो यार देखो ये भुनना नंतर न लीजिए, अंजुल बैठ रहे अंजुल धर रो आप खुआ खिन पर। दोस्तों इस खाई में भाभी घास काट रही है, डर भी नहीं लग रहा है मेरे को तो यार दोस्तों, ऐसे ही देखते ही डर लग रहा है। तेज बारिश आ रही है और बारिश हमारे गांव में पहुंचने से पहले दोस्तों मुझे घर भागना पड़ेगा। हेलो दोस्तों नमस्ते, पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में पहाड़ की इन हसीन वादियों से, मेरे गांव मेहरगांव से। तो दोस्तों सुबह के 8 बजे है, मैं आ गया हूँ अपनी बैल पहुँचाने के लिए जंगल। दोस्तों यार कल रात में यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, गाँव के लोग दोस्तों शहरी में लगाने लग गए हैं धान और मड्डू। दोस्तों यार एक ही बारिश में गांव के सभी अपने अपने काम में लग गए हैं और बच्चे भी आए हैं दोस्तों पीछे जंगल। देखो गांव वालों के भी बकरियां बैल आ गए हैं जंगल, आगे से हर की भाई और मामा जी भी गए हैं दोस्तों और मैं भी आ ही गया हूं। मौसम दोस्तों आज यहां पर ये देखो यार दोस्तों आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, किसी भी टाइम यहाँ बारिश हो सकती है दोस्तों, रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। यह है दोस्तों प्रकादा की गाड़ी, अभी प्रकादा आया नहीं है, और इसके पीछे खड़ी है विनोदा की गाड़ी। ये देखो यार दोस्तों हमारे गांव में 3 गाड़ियां हैं, एक सुंदर भाई की और दूसरी है विनोद दा की, तीसरी है दोस्तों प्रकाश दा की, ये दोनों यहां खड़ी रहती है। सुंदर भाई की गाड़ी दोस्तों उधर आगे गैरेज है वहां पर है। तो दोस्तों पहाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया है चालू। ये देखो यार दोस्तों इस टाइम इनका इन्होंने किस चीज़ का बना रखा है, पानी की बोतल रखी हुई है और एक लकड़ी खड़ी कर रखी है दोस्तों, और दर्शक भी यहां पर बहुत ही ज़्यादा दर्शक आए हुए हैं, दर्शक खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। बॉल चली गई है दोस्तों नीचे खतरे में चली गई है, बॉल लाने गया है दोस्तों, नाम पता नहीं इसका मैं भूल गया हूँ, देखो झाड़ी में अटक गई बॉल, डब्बू नाम है यार दोस्तों। और बारी किसी की भी नहीं आएगी दोस्तों खेलने की, केवल हरकी भाई खेलेंगे और डब्बू कराएगा बॉलिंग। ये देखो बहुत ही स्पीड में बॉल दोस्तों, लेकिन बाल बाल बच गए यार आउट होने से। तो दोस्तों खेलने के लिए अब आरसी आ गई और इसको खेलना भी नहीं आ रहा, ये आरसी हो गई है आउट। दूसरी बॉल पे आरसी आउट हो गई है, आरसी को तो खेलना भी नहीं आया। दोस्तों यार दर्शक इतने आए ना, एक दर्शक और बढ़ गई है, ये देखो बबली भी आ गई है यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए। ये है यार दोस्तों पहाड़ी बच्चों का क्रिकेट टूर्नामेंट रोड में खेल रहे हैं। तो यार बच्चे लड़ने लग गए यहाँ पर, एक सोच रहा मैं खेलूँ एक सोच रहा मैं खेलूँ। ये देखो दोस्तों यार बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट रोड में और पीछे से आ गई है गाड़ी, देखते हैं बच्चे कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, विनोदा क्या करता, विनोदा ने हॉर्न बजा दिया। ये देखो बच्चे भग गए हैं। तो बोलो यार जो तुम उनको मीन बी के उन्हें खुआक दिखाई ना वो गाड़ में, और मेरी मम्मी ये तोड़ भी लगे बुआ जी, देखो यार देखो मेरे भुन है और ये डेग में धर रहा दाव और देख लियो यार ये दिमे को दे ली यार, ये भुन भी बहुत स्वाद रही यार, एक मीन खले है। अब ये देखो यार देखो ये भुनना है नंतर न लीजिए, अंजुल बैठ रहे अंजुल धर रो आप खुआ खिन पर, ये कौन है बुआ जी तुले भुन, लेकिन बहुत स्वाद रही यार ये, हम पहाड़ खुआक देखो यस दड़ा मड़ाला हरी हो, मीट बहुत बढ़िया है यार। बुआल हल्ली 3 चूल भी दे देखो नंतिन नली जी। तो दोस्तों यार शाम के 6 बजे हैं, मैं आया हूँ इधर अपने बांबड़ वाले खेत देखने के लिए। उधर दोस्तों बच्चे कर रहे हैं खेल और नीचे आई है दोस्तों इधर भाभी घास काटने के लिए। इधर यार दोस्तों रोड से नीचे गहरी है खाई, दिखाता हूँ दोस्तों, इस खाई में भाभी घास काट रही है, डर भी नहीं लग रहा है मेरे को तो यार दोस्तों, ऐसे ही देखते ही डर लग रहा है। ये देखो यार ये गहरी खाई है नीचे, अभी दिखाता हूँ मैं भाभी कहाँ काट रही है घास, अभी थोड़ी देर पहले यहीं काट रही है। ये देखो यार दोस्तों नीचे है गहरी खाई और वो नीचे काट रही है भाभी घास, देखो पूरी खाई है यार नीचे तक, डर भी नहीं लग रहा दोस्तों भाभी को।
दोस्तों यार मैं आया था इधर अपने बांबेड़ वाले खेतों में, और उधर देखो दोस्तों नैनी से तेजी से बारिश हो गई है दोस्तों, बहुत ही तेज बारिश आ रही है। और बारिश हमारे गांव में पहुंचने से पहले दोस्तों मुझे घर भागना पड़ेगा। ये देखो यार दोस्तों पहाड़ों में पता चल जाता है कि बारिश कहाँ हो रही है। अभी इधर को देखो दोस्तों अपने ये है हमारा गाँव, और यहाँ पर बारिश अभी एक बूंद भी नहीं आई। और देखो थोड़ी दूरी देखो दोस्तों कितनी तेज बारिश हो रही है। यही तो दोस्तों यार पहाड़ों का एक खूबसूरत नज़ारा है यार। एक साइड में बारिश हो रही है और एक साइड में देखो दोस्तों कबड़ा के ऊपर उधर आई है धूप। लेकिन ये हमारे गांव में आने से पहले मेरे को भागना पड़ेगा दोस्तों घर, और बच्चे भी लेके आए हैं, बच्चों भी कर दिए हैं, बच्चों ने भी घर भागने की तैयारी। दोस्तों यार जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाऊँगा। यहाँ पर कोई ऐसी गुफा भी नहीं है जो मैं गुफा के पास चले जाऊँ। एक गुफा है दोस्तों सामने, लेकिन वो छोटा सा गुफा है, उसमें तो बच्चे घुस जाएंगे। ये देखो यार बहुत ही तेज़ी से बारिश हमारे गांव की ओर बढ़ रही है।